दोस्तों, आज के ज़माने में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन डॉक्टरों की बढ़ती लापरवाही के कारण उनका जो भगवान का दर्जा है संदेहात्मक होता जा रहा है। आज की ही खबर है कि किस तरह से एक डॉक्टर ने एक महिला का ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के बाद तौलिया और पता नहीं क्या कैंची उसके अंदर ही छोड़ दिया, जिसके कारण उस महिला की मृत्यु हो गई। ये आज का एक मामला है और मेरे ख्याल में ये हर रोज़ कहीं ना कहीं सुनने में ये खबर आती रहती है कि किस तरह से डॉक्टरों की बढ़ती लापरवाही के कारण लोगों की जान चली जाती है। बात करेंगे स्थानीय लोगों से, इस खबर की पड़ताल करेंगे कि क्या है पूरा मामला और कैसे क्या लोगों की राय है इस बारे में। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। भैया वो वाली पिक्चर कहाँ लगी है? अरे रुको यार, पिक्चर के चक्कर में देख लियो, मेरी मरी गई बेचारी। डॉक्टर ने देखो यो ऑपरेशन कर पेट में छोड़ा तौलिया डॉक्टर पे। भाई यार यहाँ भी दोस्तों इसी खबर पे बात हो रही है। अरे दद्दू यो सब सुन के तो हमारे पथरे के ऑपरेशन कराओ मन ना हो रहा है। मन होए चाहे ना होए करामक तो परिवे करी। अच्छा भाई साहब, मैं इसी खबर की पड़ताल कर रहा हूँ, तो अब आप ये बताइए कि आज के ज़माने में जैसे ये खबरें आ रही हैं तो आपको क्या लगता है आज के इलाज कराना कितना आसान है आज के ज़माने में? देखो आज के ज़माने में इलाज कराना कितना आसान है, एक काम बता रहे हैं, गधा ते गांड मराओ और डॉक्टर ते इलाज कराओ, दोनों बराबर हैं। अरे क्या मतलब? मतलब यो है कि दोनों हम जान ही रहे हैं कि हमार फटी लेकिन हमें करामक पड़ी, ठीक है। और जो तुम मतलब खतवा पतवा अगर तुम्हारे पास हैं तब तो तुम इलाज करा ले आओ, और अगर खतवा ना ही है तो तुम इलाज ना कराए पाइयो, मर जाइयो तुम, यो कन्फर्म है। मतलब सब बिक जाएगा, सब बिकी जाएगी। ये कहना है दद्दू वाली पिक्चर देखो कहाँ लगी यार। अरे रुको यार, तुम्हें पिक्चर ना की पड़ी है ना, इसी तसी होने जा रही है। दद्दू हम बाद ना इलाज करेंगे, इलाज करामक पड़ी इलाज बेटा, ये तुम समझ लो। अच्छा, तो अच्छा, ये आप ये बताइए कि जो आजकल इलाज कराना आपको कितना सुरक्षित लगता है? यार सुरक्षित का यार भाई समझो कि हमारे बगल में आ है टोली 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 ना ये टोली बगल वाले हाँ। वो अपने नुकलुआ घूमो कर रहे थे संडा वोटे कहाँ लग 500 खर्चा करो, चलो तुम्हें भाई व्यवस्था करा रहे हैं। अब वही चले गए, अब उनके यहाँ एक निरोध पकड़ा दी उन्होंने, सरकारी अस्पताल वाला, सरकारी अस्पताल वाला हुए प्राइवेट वाला कौन हुए पकड़ा दी उन्होंने। अब वही निरोध के भरोसे चले गए, कहा अब हम सुरक्षित है नहीं, अब निरोध का अब उनके भी गए चाहिए भी। तो इतना सुरक्षित है यो तुम समझ लो, अगर तुम इलाज करावन गए ऑपरेशन करवाओ सक्सेस भा तो भा, और अगर कहूँ तो लिया या कहीं चीज पैंची जाऊँ कुछ छूट गया अंदर तो गयो, तुम्हारी किस्मत पे है, तुम्हारी किस्मत पे। अच्छा यो यस मतलब हालात हैं, मतलब ऐसे और भी किस्से होते रहते होंगे। हमारे गांव में खुदे तमाम किस्सा है। अब एक जने कह रहे हैं हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवाओ मन, तो उनकी नसबंदी कर दी उन्होंने। अरे अब बताओ इलाज करावन गए का है क्या करिका दी उन्होंने, अब उनके आंखों बच्चों ना परेशान घूम ही रहे, अब बताओ कहाँ किन जाए। ये किससे कहानी मतलब आप क्या भी हो ही रहे हैं। हाँ, हमारे ने शर्मा जी हैं, उन्हीं अपनी मेरिया की करा के लाए नसबंदी, नसबंदी हुई गए और वो खेत दूसरे साल उनके लड़का पैदा हुईगा, एक बार एक बार फिर दूसरा हुईगा, एक तीसरे का नंबर हो नहीं, फिर डॉक्टर जो है दोबारा नसबंदी की नून, उनका मुआवजा दी नून। अच्छा मतलब बताओ, मतलब मुआवजा मिला है, मतलब इतने कमजोर धागे आ गए। हाँ वो धागे बताओ ना ही आ रहे, अभी वो तो डॉक्टर जान सकते भाई का धागा लगा रहे हैं कि रस्सी बांधी रहे हैं, ठीक है। दद्दू वही वाला पन्ना खोलो, वही वाला चलो। अरे रुका यार, पन्ना खोलो, पन्ना पिक्चर में जाने का धरो यार, देख रहे हो कैसी कैसी समस्याएं आ रही है। दद्दू अब चाहे पथरी नहीं पथरा बन जाए, हम बान ना ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन तो बउआ करावा है परी, पथरी जो तो इतनी बड़ी है तो ऊँ करावा परी, और ना कराई हो तो तकलीफ बढ़ती चली जाएगी। मतलब आपकी बातों से मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या बीमारी में क्या डॉक्टर से क्या हमें इलाज नहीं कराना चाहिए? यार देखो समस्या आई सी है इलाज और बीमारी वाली कि कुमार के महीने में कुकुर का देखे हो। हाँ सही, झुंड रहता है, झुंड रहता है। अब कुतिया है ओका, तुम मान लो कि वह मरीज है, ठीक। अब ओका मालूम है कि अगर हम कुत्ते के पास गए तो 2 घंटा हमें भयंकर तकलीफ झालक पड़ी। हाँ ये तो है, लेकिन अब वो के कीड़ा काट ही रहे जाए तो परिवे करी, मजबूरी है। अब वह हमने गए तो अब 2 घंटा की तकलीफ होए और चाहे 4 घंटा की, और जहाँ लेड़ी लगी तो वहाँ फिर गाँव वाले कौनों डंडा मार रहे है, कौनो पत्थर मार रहे, सब तकलीफ है, झालक पड़ी है। हाँ, मतलब फेविकोल का मजबूत जोड़ है, इसको हटा दे। तो बस समझिया है यो, तुम समझो कि हम बीमार हुए तो वो मजबूरी है हमारे, जाए तो परिवे करी। मैं देख रहा हूँ आपके एग्जाम्पल रियलिस्टिक है, बिल्कुल मतलब रियलिटी से भैया जो है वो आए है।
जमीनी आदमी आप हाँ। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। मैं तो बहुत देर हो गया, वो पिक्चर वाला पन्ना दिखाओ। अरे तुम्हें पिक्चर वाले पन्ना की परी है यार, रुको यार थोड़ी देर बैठो, मैं दिखा दे बे। दद्दू तुम तो हमार गाड़ी ही फा रहे हो, अब पथरी ना चाहे सिलौटा हो जाए, हम ऑपरेशन ना कराइबे। ऑपरेशन तो लाला करावा, एक परी परेशान ना हो, जाए परी डॉक्टर के पास। अच्छा ये सब बातें ठीक है, आप जब इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं तो आप ये बताइए इस तरह के जो डॉक्टर द्वारा जो कृत्य हो रहे हैं आपकी क्या राय इस बारे में? देखो एक बात बता मन, राय अगर पूछो तो डॉक्टर और भगवान दोनों बराबर होते हैं। अच्छा वो कैसे? ठीक है, अब भगवान जब गुस्सा दें तो वही डॉक्टर के पास भेज देते हैं, और जब डॉक्टर का गुस्सा आ जाए तो भी सीधे भगवान के पास भेज देते, कहा था जाओ बेटा। हथौड़ी छोड़ दी, पता नहीं का सारी इस्तेमाल करते है, कुछ छोड़ तो नहीं दिनों बात नहीं, देख तो रहे हो मामला, तुम्हारे तो नहीं छोड़ दिन कुछ दोस्तों। यहाँ भी कुछ इस तरह का ही मामला लग रहा है, लग रहा है इनके साथ भी कुछ ऐसे ही फेल हो गया, डॉक्टर ने कर दिया। तो आज के वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, बने रहिए आपके अपने शो बीसी सेंटर में, मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बीसी के साथ।